बर्लिन, अब रिलैक्स कर सकते हो। प्लान भी पूरी तरह कामयाब रहा, वो लौट गए। उस नकली आवाज के पीछे कैमरे में सबको देखता वो तेज दिमाग प्रोफेसर इस दुनिया का बादशाह था, लेकिन इस काम के अलावा उसके लिए हर चीज नहीं थी। वो खुद से उतना ही अलग था जितना क्लार्क केंट सुपरमैन से, और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उसका पूरा बचपन सेंट सेबेस्टियन के एक अस्पताल में बीमारी में बीता था, बूढ़ी नर्सों के साथ और ढेर सारी किताबों के बीच। यानी वो ना तो नॉर्मल था ना ही सोशल, खास तौर पे जब बात किसी लड़की की हो। मैं बैठ जाऊं? क्यों नहीं? और उसे नर्वस करने में मुझे बहुत मजा आता है। जब आप चोरी की प्लानिंग नहीं करते तब क्या करते हैं? मतलब अपने फ्री टाइम में? डांसिंग या फिर? नहीं, कभी नहीं। मैं मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता।